राम राम सर, यूट्यूब फैमिली ने मेरी राम राम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। नहा के आगे सर धोया आया, दिन हो गया शुक्रवार और तारीख हो गई आज 17 तारीख हो गई है। और अभी मैंने ना कुछ भी ना डाल रखा कान उन्न में। अब फिलहाल तो मैं ना बाल बांध लिए अपने कान वगैरह में, हाथों में चूड़ी वगैरह सब चीज़ें डालूंगी और आपको कुछ दिखाऊंगी भी, वीडियो में शेयर भी हो जाएगा। आप बताना भी कौन से अच्छे लग रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें लाई हूँ और पहनूंगी भी और करके नीचे ही बैठ गई मैं। पर इस पर पोछा तो लग ही रहा, साफ सुथरा हो रहा है। थोड़ा सा सामान लेके आई थी आप लोगों ने दिखाऊंगी तो, यहाँ पहले मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा मजाक कर रही थी। देखो मेरी लिपस्टिक, तो वो वाली लिपस्टिक ना थी, दूसरी लिपस्टिक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और कुछ सामान लाई थी मैं अपने लिए जो मेरे पे था नहीं, मुझे ज़रूरी चाह रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चाहिए भाई हमें, हमारा इतना ज़्यादा हिसाब नहीं है कि हम वो चीज़ ऐसी कर सके, क्योंकि इसके बिना काम चल जाएगा, ये पहने बिना काम चल जाएगा, पर जो काम ज़रूरी है बच्चों के उनके बिना काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे एक तो लाई में मेहंदी का पैकेट, सर मैं अपने मेहंदी लगाऊंगी, बहुत दिनों से लगी नहीं है, मैं लगा लेती हूँ। और इसमें देखो मैं क्या लाई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ और उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएंगी चीज़ें। तो पहले इसको नीचे दिखा लेती हूँ। नंगे कान भी अच्छे नहीं लगते, देखो वीडियो बनानी पड़े है, फिर वैसे भी अच्छे नहीं लगते। अगर मैं ना कुछ पहनूँ कानों में तो मुझे सब टोकना शुरू करता है, तेरे कानों के कहाँ गए, नंगे कान फिर भी अच्छे नहीं लग रहे। तो छोटी छोटी सी जो है ना नाक की बाड़ियाँ, तीन तीन तो मैं नाक की बड़ी लाई, क्यों मेरी खो जावे बहुत जल्दी करके, या फिर वो बद्दी सी हो जाता फिर दूसरी बदलनी पड़ा। अभी ये रोज़ रोज़ तो खरीदी नहीं जाती। तो ये तीन नाक की बाड़ी थी और दो तीन जोड़ी जो है ना मैं कानों के लाई। एक जोड़ी तो ये वाले हैं, बड़े प्यारे लग रहे थे मुझे, ये सिंपल के सिंपल है। अरसुई निचल मतलब इनमें झालर से लटक रही इस तरह के। और एक जोड़ी मैं लाई सुई धागे टाइप से, ये देखो ये उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जब पहनूंगी ना तब आपको कानों में दिखाऊंगी, ये उससे भी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। और एक जोड़ी मैं ये वाले लेकर आई ब्लैक वाले, और एक जोड़ी और है। तो मैं ये तीन चार जोड़ी जो है ना कानों के लाई, एक अपनी ब्लीच लाई, मेरा चेहरा बहुत बुरा हो रहा मेरा। और ये लाई मैं अपनी लिपस्टिक कॉफ़ी कलर की, तो मेरा बहुत मन था कॉफ़ी कलर की लिपस्टिक लेने का, तो मैं ले आई। और गर्मी में हल्के रंग अच्छे लगे हैं, लाल पीले फिरोजी गुलाबी, ये डार्क रंग मजबूरी में लगाने अच्छे नहीं लगते मुझे, है ना, गर्मी गर्मी हल्के रंग चाहिए बिल्कुल। तो मैं ये लाई एक और लाऊंगी हल्के से रंग के। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें रख, मैंने अभी नाक में ये वाली लौंग डाल ली है, और कैसी लग रही कमेंट करके बताना मुझे। तो ठीक सी लग रही है, नंगी नाक भी बूंदी लगा है, नंगे कान भी बूंदे लगा है। बैरा का सुनने की नहीं बनवा सकते तो अपनी वैसे ही पहन लेंगे। मेरी भाषा को लेकर लोगों ने बहुत गलत गलत बोला है, फिर आप कहते हो कि आप हर किसी को अन्य जवाब देती हो उल्टा करके। जवाब नहीं दे रही हूँ, बस एक बात बोलना चाह रही हूँ। बोलने का चलो बोल रहे हो ठीक है, मैं अपनी भाषा बोल लूँगी, और भाषा हरियाणवी भाषा नहीं बोलूँगी। आपको पसंद नहीं आई ठीक है, हरियाणी लोगों पर हरियाणवी भाषा अच्छी लगती है, चलो आपकी बात से सहमत हूँ, मैं नहीं बुरा मानती। पर एक ने बहुत ही गंदी सी बात बोली और इस तरीके से कमेंट किया है, मैं स्क्रीनशॉट चिपकाऊंगी। ये बात तो सही ना, क्या सिर धो लिया और सिर धो के बाल भी ऊपर को बांध रखे, थोड़ा सा काम करना है तो पहले अपना काम निपटा लूँ फटाफट से। चुन्नी मेरी भी तरी तरी, एक बार मैं जाती बागी बागी बाथरूम में, क्योंकि मोटर जो है ना बंद हो जा 5 मिनट के बाद में, बस 5 मिनट चलेगा और बंद हो जाएगा। तो उस बाल्टी भर के धरनी पड़े, लाइट की कोई गारंटी नहीं है, भागी तो फिर शाम से पहले नहीं आने की, कभी चली भी जावे कभी रह भी जा। और ये मोटर 5 मिनट चलेगा तो 20 मिनट कम से कम बंद रहेगा। तो एक आधी बाल्टी भर के धर लूँ भाई, पानी हर टाइम चाहिए, बर्तनों खतर भी, कपड़े लत्ते धो रहे हैं, कुछ और काम भी, बिना पानी के तो भीगते नहीं, पानी ज़रूरी चीज़ है। और कपड़े धोने लग रहे, एक ना मुझे कमेंट करता कि कपड़े कपड़े धोती रहे भाई, धुआं है कपड़े रोज़, बच्चों के तो रोज़ की रोज़ उनकी यूनिफॉर्म धुआ है, और फिर हमारे लिकड़ है, दो दो जोड़ी भी लिकड़ जाए, एक जोड़ी भी, और धोने तो पड़े हैं बहन, ऐसा तो है नहीं भाई, कपड़े धोए बिना काम चल जाएगा, सबके घर में ही धुआ है, मेरे ही घर में क्या वो धो रहे हैं। अभी मैं लगा रही हूँ गर्म पानी एक बाल्टी, मैंने कम्बल भिगो कर रखा हुआ, मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, तो उसमें एक बाल्टी गर्म गर्म पानी गिरूंगी। और फिर अचानक ही है ना मुझे, मैं फ़ोन करते करते मेरे याद आया कि मुझे तो इंजेक्शन भी लगवा करना। अब इंजेक्शन लगवाने के लिए छुए थी क्या? मैं इंजेक्शन दे रहा था वो लगवाने के लिए, मैंने वहाँ कोई वीडियो शूट ना करी, अब बस जल्दी जल्दी करके बस नूता बस फटाफट बस मिलती रहा, फटाफट घर पहुँच जाऊँ।
क्योंकि मुझे ना घर बच्चों को खाना बनाने की चिंता है, जितनी देर से होंगे उतनी देर से खाना बनेगा, तो शुक्र है भगवान का जल्दी जल्दी सब चीज़ें मिलती रही, तो मैं जल्दी जल्दी करके आ गई। आलू उठा लिए, एक ढक्कन उठा लिया, टमाटर ले लूँगी फ्रिज में से, और टमाटर की सब्जी छोंकनी, फटाफट छोंक दूँ, फिर सब्जी छोंक के थोड़े से कपड़ों को प्रेस कर लूँगी, प्रेस करके फिर मैं थोड़ी फ्रीसी हो जाऊँगी, प्रेस के कपड़े हो रहे बहुत। आलू और लौकी की सब्जी, जीरा योरा, टमाटर में हल्दी नमक मिर्च धनिया सारे मसाले घेर लिए, और आलू लौकी ये कटे थे, पानी गिर रख, तेल गर्म हो गया, इसमें घेर ला जीरा चटकन लगा, लाइट चली गई है तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, 3:05 हो गई लाइट चली गई, और इतने सारे कपड़ों पर प्रेस करी, पूरी दोपहर ही लौट के नहीं देखा, वहाँ इंजेक्शन लगवाने चली गई थी जब से आके लग गई थी, खाना वाना बनाया, मशीन चल रही थी कपड़े धोने की, तो बल्कि कपड़े तो धोए भी नहीं, पानी उनी भरा के लौट जाओ, पानी उनी भरा के, और बस फिर जब से ही मतलब फिर बच्चे आ गए थोड़े ठीक हो जाएगा, जब लेट था सारी दिखाई कहने से भी कल सा पेट में दर्द बता रहा, दिखाना पड़ेगा पेट में क्या परेशानी हो रही तेरे, डॉक्टर को दिखाऊंगी, गर्मी गर्मी का भी तो हो रहा, गर्मी सर्दी का, फिर बराबर ऐसी जब से प्रेस करने बैठी 1 बजे से फिर बच्चे आ गए, आज जल्दी आ गए, फिर ने दूध दूध दिया, सब्जी बनाई रखी थी, रोटी बनाई, फिर जब से बैठी 1-1.5 घंटा लग गया प्रेस करी बहुत सारे कपड़ों का, अब बीच में कायरा बाबू को भी देखना पड़ा, बस अब है ना एक बार झाड़ू लगा कर पोछा लगाऊँ कमरे में, किरकल सी हो रहा, मेरा मन नहीं मान रहा, फिर बाहर कपड़े पड़े जो उन्हें धोना, उससे पहले करने बर्तन साफ, फिर कपड़े धोऊंगी, एक बार पोछा मारूँ रूम में पानी खींच कर, थोड़ा सा थोड़ी सी झाड़ू जा रही गैलरी में पूरी करो, 1-2 काम और, तैयार हो बाल बड़े रह रहे। मेरे मम्मी और मेरे मम्मी पापा तुम सा नहीं कोई दूजा, एक ईश्वर से पहले करते तुम्हारी अबे एक साथ ढूंढ का मैंने हिसाब मम्मी लगता है मक्खी बहुत आई, मम्मी गंदा लग रही रसोई पूरी, मक्खी ने भी बहुत सत्यानाश रखा, तू कह रही कितने साफ करो ना सारे दिन, पर मक्खी नहीं बढ़ती बड़ी बोलना पड़े वे तीन साफ मक्खी पकड़ा, अच्छा वो मेरे को पानी गिर गया तब हो जाऊं मैं, सुबह दोपहर का सारा काम हो गया, तीसरे पैर का टाइम हो रहा है, और मुझे लग रही थी कमरे में किरकल हो रही है, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा, जब मेरे कमरे में किरकल सी रहती है ना तो मुझे लगता है कि गंदा है, एक बार पोछा लगा लूँ, तो फिर मुझे तीसरे पैर में एक बार फिर से पोछा लगा देती हूँ, मुझे पता नहीं कैसी आदत सी होगी, किरकल अच्छी नहीं लगती, फैला हुआ अच्छा नहीं लगता, तो फिर से मैंने एक बार पोछा लगा दिया तीसरे पैर, अब थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मन लगेगा कमरे में, कमरा 1 हो या 2 साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, मुझे नहीं है बिल्कुल भी गंदा अच्छा लगता, आदत सी ऐसी होती जा रही है, कुछ चीज़ गंदी हुई रही है, उसे 10 बार साफ़ करूँगी जब तक वो साफ़ नहीं हो जाती, आदत बनती जा रही है, सफाई देखम देख बच्चे भी ऐसे ही सीखते हैं, अब अंदर रूम में पोछा भी लग गया, झाड़ू लग गई, रसोई साफ़ होगी, गैस का चूल्हा साफ़ हो गया, बर्तन सारे साफ़ हो गए दोपहर के, अब रह गए कपड़े, ये कपड़े धोने, एक कम्बल भीग रहा, सांझ को ये धोना, 2 घंटे लगेंगे, शाम को ये काम और करना मुझे, बाबू चब भी ना पैक कर दिए कांगे मेरे, हाँ बोला कांगे डोरी ना बाबू।
सारा काम करना है। फिलहाल फिर मैं लगवा लूँगा मेहंदी, मैंने मेहंदी खोली, इसमें मेहंदी लगवा दिन है शुक्रवार को, फिर शनिवार हो जाएगा, फिर नहीं लगने के सोमवार में लगेगा। तो अब शाम को काम करके जब फिर मम्मी देखो मैं प्ले ग्राउंड की सुनाऊं, पे वो पी एल ए वाई प्ले है ना, सही तो जी ओ जी ओ जी ओ आर यू एन डी है ना, ग्राउंड प्ले ग्राउंड। और लाइब्रेरी की सुनाऊं, एल आई बी आर ए आर वाई है लाइब्रेरी, ये स्कूल में लाइब्रेरी है जहाँ हर तरह की। अरे अम्मा याद आ गई या मम्मी याद आ गई? अम्मा मम्मी मम्मी सब याद आ जा। पतकी माल चर के ली गए हो? ईशा राधु आए हो? पैर तो धोना पड़ेगा दबा दबा के। देख कितना घोर रहा है इसमें, कूदने के चक्कर में कभी गिर पावे। देख कितना घोर रहा है इसमें, तो चप्पल पहनने में काटने में कट दे, वहां ना जावे, वहां गिर जाएगी। अब इसमें को काट रही इससे और एक ही पानी में थोड़ी ना रहा भाई, चाहिए तो बोले भाई। दबे दबे पांव से हाय हो लगे बना रही है। हाँ मैं भी आ रहा भी मतलब बना दो, दूर से बना, दूर से कुछ 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 बना दो। जैसे ये वाली फलाई ना ऐसे आराम से, एक आराम से तारा आराम से हालू ऐसा सोनी झाल फला रहा है। अब नहीं बेटा पाइप देनी, जल्दी निकल के बाल्टी में गेनी में लड़ दो, गेनी 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 गेन तो जल्दी मुड़ रहा, मेरा सिर धोने का काम तो करवा देगा तुमने, ले सुपर का ये टावर वाले तार। मेरी चुप्पी टूट रही है, बहुत कुछ बढ़ गया है, सिर से ऊपर पानी हुआ जा रहा है, मेरी जो है ना मेरी लाइफ में इतना उथल पुथल मचा पड़ा है। अब मुझे बस डिसीजन, फाइनल डिसीजन करना ही होगा। इन बच्चों के भविष्य का सवाल है, कब तक चुप रहूँगी, आज मैं बैठ के बात करूँ।